तो गाइज आज हम बात करेंगे एक यूफेम फॉर्म के बारे में, जो आप जब नकल पकड़ी जाती है, जब भी आपकी नकल पकड़ी जाती है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि जब भी हमारी नकल पकड़ी जाती है तो उसके कई तरीके होते हैं पकड़ने के। एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ और वही आपके साथ होता है। मैं सेम टू सेम आपको बताऊंगा। और ये बीयू झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू जो झांसी में है, झांसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कॉल पर ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मोमेंट रुकेंगे। तो एक मैं नकल कर रहा था, नकल नहीं कर रहा, नकल रखी था मैं पेयर में जी अंदर साइड पेंट में। तो फलांग आया, उसने मेरी कॉपी ले ली और नकल ले ली और ले गया, दूसरी कॉपी दे दी मेरे को। अच्छा, तुमको दूसरी कॉपी दी जी सर। तो बस और कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। तो अगर मैं बताऊँ क्या उसने मतलब नोट लगा दिया कि क्या किया नहीं, मतलब। मुझे ये बताइए, जैसे आप कौन सी क्लास के सब स्टूडेंट है? बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल ईयर है आपके, ठीक है ना, और झांसी यूनिवर्सिटी से हैं आप। अब आपका जैसे आप जब क्लास में पहुंचे थे तो नकल तो आपकी थी ना, वो ये बताइए आप लेके गए थे? हाँ, हम लेके गए थे, यहाँ रखे थे मतलब नीचे पैर में। कहाँ रखी थी? पैर में? पैंट में नीचे के हिस्सा में, नीचे मतलब घुटने से नीचे ऐसी लंबी करके रखी थी हम। अच्छा, घुटने के नीचे रखी थी आपने, चलो ठीक है। उसके बाद में जब आपने निकाली होगी तब उसने देख लिया, या फिर ये बताओ क्लास जो आपका कॉलेज वाले ने देखा था या कोई बाहर से टीम आई थी? बाहर से कोई टीम आई थी सर, उन्होंने सीधे यार मतलब 2 मिनट मैंने रोल नंबर और नाम लिख पाया केवल। क्लास में ठीक है, कॉपी में कुछ नहीं लिखा, मेरी कॉपी में कुछ नहीं लिखा था जी। पूरी कॉपी है उसमें, बस मैंने रोल नंबर नाम पिताजी का नाम जो भी ये भरना पड़ता ये लिख के मैं बैठ गया। और वो आई तो उसने हमें उठाया क्लास में, चेक किया तो नकल निकाली यहाँ से। उसने निकाल कैसे ली कॉपी, मतलब घुटने से नीचे से कैसे चेक कर लिया उसने? घुटने से नीचे कैसे चेक किया उसने यार? झुक के किया मकान पूरी चेक कर रहे थे, हाथ मार डाल के पूरे यहाँ मतलब ये पूरी सब जगह चेक किया तो घुटने के नीचे भी ऐसे किया तो उसको समझ में आ गया, थोड़ा हाथ आ गई। अच्छा चलो कोई नहीं, उसके हाथ आ गई। तो एक पेच था, एक पेच था या फिर कई पेच थे उसमें? कई थे सर, कई पेच थे, ठीक है। तो आपका ही हुआ है ना ये चीज? ऐसा है ना, देखो बात ऐसा होता है, इसमें कई प्रोसेस होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोसेस कराती है, लेकिन सेम प्रोसेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये होती है, यदि आपकी नकल पकड़ी गई है ना, तो पहली बात तो उसमें यदि आपने की कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कॉपी में आपकी नकल को जब कॉपी में आप लिखते हुए पकड़े जाते हो, जब लिखी जाती है और उसके बाद में जब आपका नकल से सेम टू सेम मिलाई जाती है कि भाई उसने नकल जो पकड़ी गई है और जो आपकी कॉपी में लिखा है यदि सेम टू सेम है, तब आप पर आरोप लगा सकता है वो, ठीक है। मतलब ये होता है एक तरीका, तो ये होता है। अब आपने कुछ लिखा भी नहीं है और उसने नकल पकड़ी गई है, क्योंकि नकल तुमसे बरामद हुई है, आपने उसमें एक फाइल एक फॉर्म फिल कराया होगा, तुमसे एप्लीकेशन लिखवाई होगी? नहीं सर, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखवाई उसने हमसे ना, कोई मतलब सिग्नेचर करवाया कैसे नहीं। आप यूट्यूब पे मैं आपका वीडियो देख रहा था जी जी, मैं आपने बताया कि वो दो तीन बार सिग्नेचर तीन जगह सिग्नेचर करवाते और जी मतलब ऐसा कुछ नहीं करवाया उन्होंने, कुछ मतलब फॉर्म नहीं भरवाया हमसे, कोई सिग्नेचर नहीं, बस क्लास टीचर जो क्लास में ड्यूटी लगी थी जिस टीचर की उनके साथ करवाया उसमें, वो बस नकल और कॉपी लेके चला गए चली गई। सेकंड कॉपी दी होगी तुम्हें? अच्छा, एक कॉपी जैसे ऐसा होता है ना, उसमें यदि आपका साइन कराना भी जरूरी होता है, ठीक है, इसमें ये दो कंडीशन हो सकती है, वो आपको यूफेम लगा भी सकता है, ठीक है, आपका यूफेम लिख के भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बात यह है उसने आपको जैसे आपको सहमत होते हैं, माया सहमति लेता है वो आपसे, एक फाइल एक जैसे एक उनका सिस्टम होता है लिखा हुआ पूरा, तो उस पर एक बोलता है आपको सिग्नेचर करिए, उस पर ये चीज़ लिख के आती है कि आपको पास नकल पकड़ी गई, आप इस बात से सहमत हैं। और जब आपके पास लेटर आता है ना, लेटर देखिए, यदि आपके पास लेटर नहीं आया, सुनो, आपके पास लेटर नहीं आया ना यूफेम का, तो आपका यूफेम तो नहीं लगेगा, ठीक है, ये क्लियर हो सकता है। लेटर जरूर भेजती है यूनिवर्सिटी आपके तक, घर तक भेजेगी, एक लेटर भेजेगी, उसमें सब में लिखा होगा कि आपकी नकल पकड़ी गई, उस नकल में ये था और आपने उन टीचर के साथ में बदतमीजी की, गाली गलौज किया, ये सब कुछ लिखा होगा उसमें, समझ रहे हैं? ये कुछ नहीं किया मैंने, मतलब नहीं, लिख करता कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा लिख देते हैं, उसमें लिख के आता है सब कुछ। मैंने आपको लेटर भी दिखाया होगा, एक बच्चे को यूफॉर्म लगा था, उसने भेजा था मुझे लेटर, तुम आपको दिखाया था वीडियो, दिखाया है। हाँ, तो मतलब कुछ अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग पॉइंट वहां लिखते हैं हम,
अब ऐसा है, देखो सुनो, ऐसा है यदि उसने सिग्नेचर नहीं कराए हैं तो ऐसा हो सकता है यूफे में आपका ना लगे, यदि उस कॉपी में कुछ नहीं लिखा है तो। हाँ, कॉपी में कुछ नहीं लिखा भी। हाँ, तो यूफेम नहीं भी लग सकता है, और यदि लगेगा ना यूफेम तो आपको 1 से 2 महीने बाद तो आपको भी पता चल जाएगा, एक आपके पास एप्लीकेशन पहुंचेगी या फिर आपका जो ईमेल आईडी पड़ी हुई है या फिर फोन नंबर है उस पे आपका मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, जब आपके पास एक एप्लीकेशन आए, ठीक है ना, जब एक एप्लीकेशन आए तो आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि आप उससे सहमत हैं या नहीं, कि आप पर नकल पकड़ी गई, हाँ या नहीं, इस बात को आप एग्री हो गए थे नहीं। आप अपनी सफाई में कुछ कह सकते हो उनके लिए, एक पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। सफाई में ये कह सकते कि हमारे पास नकल नहीं पकड़ी, दूसरी लड़की ने फेंकी और मैंने रख दी उसको, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, कोरी कॉपी है मेरी। चलो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो है यदि होगा तो अगले देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना 1 साल के लिए जो आपका जो होगा ना, 1 साल का जो पेपर देने वाले थर्ड ईयर का, इसका रिजल्ट नहीं आएगा आपका, बस इतना हो सकता है। ठीक है, जब इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आगे बार को आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, एक्स फॉर्म जो आता है। ठीक है, जब आप फेल हो जाओगे तो आप एक्स फॉर्म डालोगे, तब दोबारा से आपका बीएससी फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होता है। 1 साल और लगेगा? 1 साल यदि, हाँ, यूफेम, यदि आपका यूफेम लिख के आया तो। ठीक है, उन्होंने घोषित किया कि नकल पकड़ी गई, ये बात सही है तो, और घोषित कर देगा क्योंकि आपको नकल पकड़ी गई है। दूसरी कॉपी देने का मतलब यही है, दूसरी कॉपी नहीं देता। और कुछ यूनिवर्सिटी में अभी एक बच्चे का और हुआ था जिसका नकल पकड़ी गई थी, लेकिन उसका नहीं था वो मैटर, कुछ भी मैच नहीं खाया, तो उसने टीचर ने ये कहा कि एक एप्लीकेशन लिखवाई थी उससे, उस एप्लीकेशन पे लिखवाया गया कि आपके द्वारा ये जो नकल है वो मेरी नहीं थी, किसी और की थी, और आगे से यदि गलती करता हुआ यदि पकड़ा जाता हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, उस पर ऐसा लिखा था, लिखवाया था उस बच्चे से। कोई नहीं, ऐसा है, वेट करिए, बाकी पेपर जो भी दे रहे हो आप दीजिए दीजिए, उस पर कोई रोक टाम नहीं करेगा कोई भी आपको, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई नहीं, तैयारी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत करो यार, मेहनत से ही फल लो। ठीक है, बिना मेहनत के फल मत खाओ मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे, और क्वेश्चन जो हम बताते हैं वही तैयार किया करो, फालतू काहे पढ़ रहे हो? वो तो है, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई इशू आ रहा है तो हमें बताइए, मैं देख लेंगे उसको। ठीक है, आपको बता देंगे। हाँ, कोई लेटर आता है तो मुझे बताना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको लिख के दोबारा से रिटर्न करना है। ओके, और बाकी कोई टीचर है आपका उससे सलाह ले सकते हो, मैंने आपको सलाह दी है ऐसे, आप वो भी आपको कुछ ना गाइड करेगा, एक बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपके क्लास टीचर वगैरह जो भी हो, और यदि कोई यूनिवर्सिटी का कोई टीचर हो तो उससे थोड़ा सा संपर्क कर लेना, और उनसे बोल देना कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और इसको ठीक करा दो, जो भी है मैं ऐसा नहीं करूँगा आगे से। ठीक है ना? और ऐसा हुआ करे तो यार उतने टाइम उनसे रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी करो, अपील करो, समझ रहे हो ना? मेरे हिसाब से उतने टाइम आप जो भी कर लेते कि सर कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरे कुछ भी लिखा नहीं है, ये जो कॉपी है वो ले जाओ, मेरे पास नहीं है, मतलब उतने टाइम जो भी रिक्वेस्ट कर लेते, पाए पकड़ लेते, पकड़ना चाहिए यार, क्योंकि 1 साल बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है उसमें, समझ रहे हो ना? हाँ, उनसे अपील कर लेते, हाथ जोड़ लेते, यार साहब मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, ये है वो है, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा नहीं था, कुछ भी कह सकते थे यार, जब आपका कुछ नहीं लिखा था तो ये कह सकते थे, थोड़ा दया जरूर करता वो। कोई नहीं, अब जो हो गया तो वो हो गया, अब उसको कुछ वापस नहीं हो सकता, अब जो भी करना है आगे से सही करूँ। ठीक है, ठीक है, बाय। ओके, बाकी ध्यान से पढ़ाई करूँ। अब आप देख लीजिए इस तरीके से यूफेम लगता है, कुछ अलग अलग तरीके से लोग आप पर आरोप लगा सकते हैं टीचर, तो आप बस इतना करिए कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करिए, मैं यही कहूँगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो यार सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपनी मेहनत से करो ना, सब कुछ करना है, नकल लेके जाने से क्या मिलने वाला है, 2-4 नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। ठीक है ना? जो बच्चा बना बना के करके आता है वो भी बच्चा पास हो जाता है, और जो नकल लेके जाता है वो भी पास हो रहा है, तो फ़र्क क्या है उन दोनों में? है,
थोड़ी मेहनत करो यार, मेहनत से सब कुछ लो। तो मेरे हिसाब से जिसका भी यूफेम का दिक्कत हो रही है, यूफेम 2022 में ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो आप ध्यान से रखिए और उनसे मैं यही कहूँगा, यदि आप पकड़े जाते हैं यूफेम का लगाते हुए, नकल करते हुए, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए हाथ जोड़कर, पैर पकड़ना है वो भी पकड़ लो यार उस टाइम, क्योंकि आपका एक साल से दो साल बर्बाद हो जाएगा यदि ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई तो, ठीक है ना। तो उनसे जो भी टीचर हैं उनसे अपील करिए, रिक्वेस्ट करिए कि आगे से नहीं करूँगा, ये मेरी गलती नहीं थी, चाहे भले ही आपकी गलती हो उसको थोड़ा सा चेंज करने की बात करिए, झूठ बोलने की बात करिए वहाँ, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ, पता है कहते ना एटीट्यूड में नहीं रहना है, मतलब कि नहीं चलो कोई बात नहीं है पकड़ लिया तो, ऐसा नहीं, मतलब उनसे अपील करिए, थोड़ा सा एक अजीब सा चेहरा आपने वहाँ क्रिएट कर दीजिए, मतलब कि बदल जाइए तुरंत वहाँ, ठीक है। अपने जज्बात को बिल्कुल ऐसे लेकर जाइए कि जैसे कि आपने कुछ किया नहीं है, तो ये थोड़ा करना पड़ेगा यदि आप ऐसे पकड़े जाते हो तो। तो एक रास्ता है ये बचने का जो सिंपल है, पैर पकड़ना है वो भी पकड़ लो कि सर प्लीज यार कर दो, ऐसा कुछ नहीं किया है, अब की बार माफ़ कर दो, यदि मुझ पर ऐसा हुआ है मान लीजिए तो आगे से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे उनसे कुछ रिक्वेस्ट करिए ताकि वो आपको छोड़ सकें, और आप मान लीजिए एक बार उसने कुछ भी थोड़ा सा भी आपकी हेल्प कर दी, तो आपको समझ लो कि आपका एक साल बर्बाद हो, मतलब बर्बाद होने से बच जाएगा और आपको काफ़ी संतुष्टि होगी, आगे से ऐसा मत करना फिर यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो। प्लीज़ समझ रहे मेरी बात को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको सही जानकारी दूंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।